हम अपनी बॉडी को लेकर कई बार फंस जाते हैं। बहुत ज्यादा एफर्ट्स करने के बाद भी हमारी बॉडी में कोई खास फर्क नहीं पड़ता। इसके काफी रीजंस हो सकते हैं जिनको हम अभी जानेंगे और इनको कैसे ब्रेक करा जाए, इनसे आगे कैसे बढ़ा जाए। तो अब हम बात करते हैं कि कैसे हम इस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। चाहे आपका गोल वेट लॉस करना हो, चाहे आपका गोल मसल गेन करना हो, चाहे आपका गोल अपनी फिटनेस की स्किल्स को इंप्रूव करना हो, चाहे आपका गोल अपनी बॉडी के एनर्जी लेवल्स को बढ़ाना हो, तो चलिए जानते हैं। चेंज वर्कआउट। सेम वर्कआउट रूटीन फॉलो करते करते, सेम वर्कआउट का पैटर्न फॉलो करते करते आपकी बॉडी उसके काफी यूज्ड हो जाती है और आपकी बॉडी में भी कुछ खास फर्क नहीं आता एक स्टेज के बाद। एग्जांपल के लिए, अगर आप सिर्फ वेट लिफ्टिंग करते हैं तो आप हफ्ते में 2 सेशन किसी और वर्कआउट के डालिए, किसी और ट्रेनिंग के डालिए, चाहे वो मार्शल आर्ट्स हो, चाहे वो डांस हो, चाहे वो योगा हो, चाहे वो सिंपल कार्डियो वर्कआउट हो। ऐसा करने से आपकी मसल क्वालिटी, आपकी एंड्यूरेंस, आपकी स्ट्रेंथ, आपकी फ्लेक्सिबिलिटी और मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपकी बॉडी के एनर्जी लेवल्स, इनमें बहुत ज्यादा मैसिव फर्क आएगा। वाटर फास्टिंग। जिन लोगों का वेट लॉस करते हुए वेट एक जगह पर आकर अटक जाता है, वहां से वो मूव नहीं होता, उनके लिए वाटर फास्टिंग रामबाण की तरह है। अगर आप कभी भी वेट लॉस करते हुए अटक जाएं तो वाटर फास्टिंग जरूर ट्राई करें। और इसके ऊपर हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं जिसमें मैंने 1 दिन में 2 किलो से थोड़ा ज्यादा वेट लॉस करा था। उसका लिंक मैं यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट डाल दूंगा, तो आप क्लिक कर देख सकते हैं। वाटर फास्टिंग करने से आपकी बॉडी में सिर्फ फैट लॉस या फिर वेट लॉस नहीं होता, बल्कि आपकी बॉडी का ये मेटाबॉलिज्म बहुत बढ़ा देता है, आपकी बॉडी में जो एनर्जी लेवल्स होते हैं उनको भी बहुत ज्यादा बढ़ा देता है। रिकवरी। काफी सारे लोग अपनी रिकवरी के ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते और ये एक बहुत बड़ा रीजन हो सकता है आपके फिटनेस गोल्स अचीव ना करने का, आपके फिटनेस के गोल्स अटकने का। रिकवरी शायद सुनने में थोड़ा हैवी लगे, लेकिन बहुत ही ज्यादा आसान है। अपनी बॉडी को नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशन के लिए तैयार करना, उसे फ्रेश करना और उसे हील करना। जैसे वर्कआउट के स्टार्टिंग में वार्म अप और मोबिलिटी को ऐड करना, वर्कआउट के एंड में स्ट्रेचिंग करना और डीप ब्रीदिंग करना, वर्कआउट के बाद ठंडे पानी से नहाना या फिर बॉडी मसाज करना। रिकवरी के बारे में अगर आप और जानना चाहते हैं तो इसके बारे में और डिटेल में हमने नेचुरल वेट गेन वाले वीडियो में बताया है, तो उसका लिंक मैं यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट में डाल दूंगा, आप क्लिक कर देख सकते हैं। वाटर फास्टिंग, वर्कआउट चेंज करना और रिकवरी, ये तीनों ही आपकी बॉडी में एनर्जी लेवल्स को बहुत ज्यादा बढ़ाते हैं। और अगर आप कभी भी अपने फिटनेस गोल्स अचीव करते हुए अटक जाएं, तो इनमें से कोई भी अपनी सहूलियत के हिसाब से, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से फॉलो करके आप अपने फिटनेस गोल्स को आसानी से अचीव कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।